में बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अक्षय कांति बम कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, माफ कीजिएगा पुलिस की गिरफ्तारी यहां पर किसी भी वक्त पुलिस के द्वारा की जा सकती है, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जा सकती है और कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। अग्रिम जमानत पर फरियादी ने हाईकोर्ट में आपत्ति, लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट में 7 दिन का समय, मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, अक्षय का क्षय हो सकता है, अगर यहां पर गिरफ्तारी की नौबत आई तो मामला और परेशानी भरा हो सकता है कांति बम के लिए? बिल्कुल, ये परेशानी भरा हो सकता है और लगातार अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बीजेपी नेता की। अभी कुछ देर पहले ही थाने पर पहुंचे हैं कांग्रेसी और कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है कि चल से चल अक्षय कांति बम को गिरफ्तार किया जाए। अक्षय कांति बम को अगर पुलिस तलाश रही तो फिर उनके घर के बाहर की सुरक्षा क्यों कर रही है? अगर घर के बाहर जो पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है, क्या उन्हें ये नहीं पता कि अक्षय कांति बम घर के अंदर है, कब वहां से बाहर निकल रहे हैं? दूसरी तरफ सुरक्षा दी गई है तो ये उन्हें पता होना चाहिए कि अक्षय कांति बम है, वहां से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए बकायदा ज्ञापन दिया गया। आज सेशन कोर्ट का ये पूरा एक आदेश था, सेशन कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे अक्षय कांति बम, उनके पिता को, दोनों को, पिता पुत्र दोनों को। अब हाई कोर्ट का रुख किया यूनुस पटेल, उन्होंने इसलिए रुख किया क्योंकि अक्षय कांति बम हाई कोर्ट गए थे अग्रिम जमानत के लिए, अग्रिम जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है और बकायदा 7 दिन का समय यूनुस पटेल को भी दिया गया है कि आप लिखित जो है इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लिखित आपत्ति यहाँ पे आप दे सकते हैं और अब 24 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। यानी अब सेशन कोर्ट से एक बार जज का फैसला आ चुका है, न्यायालय अपना फैसला दे चुकी है कि चल से चल अक्षय और उनके पिता जो हैं कांति बम दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि समय बहुत पहले भी दिया गया, कई बार समय दिया गया लेकिन समय देने के बावजूद वो कोर्ट में नहीं आ रहे थे। जिस दिन ये फैसला सुनाया गया था उस दिन उन्होंने कहा था कि वो आवश्यक कार्य से शहर से बाहर है, जबकि उनकी कुछ तस्वीर वायरल हुई थी कि वो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, वो वीडियो और कुछ फोटो भी आए थे। उनके पिता का हवाला दिया गया था कि उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम है इसलिए वो अभी उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन कोर्ट ने सारे साक्ष्य प्रमाण को देखते हुए वे ये कहा कि अब चल से चल उन्हें गिरफ्तार करके, यानी पुलिस को ये फैसला दिया गया कि पुलिस अब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे। अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, अक्षय कांति बम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में है। कांग्रेस ने इसके लिए स्पेशल 56 एक टीम का गठन किया है जिसमें कांग्रेस के 56 कार्यकर्ता है। अक्षय कांति बम जहां भी होंगे उसका वीडियो बनाकर फोटो बनाकर वो पुलिस को सौंपेंगे, डीसीपी कमिश्नर को वहां से व्हाट्सअप करेंगे लोकेशन के साथ में कि अक्षय कांति बम यहां पर है और आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अक्षय कांति बम के खिलाफ लगातार कांग्रेस जो है मैदान में, दूसरी तरफ लगातार कानूनी जो है वो मुश्किलें अक्षय कांति बम की बढ़ती नजर आ रही है। हाईकोर्ट में जो मामला गया था हाईकोर्ट ने कह दिया है लिखित आपत्ति दर्ज कराइए, 24 मई को इसमें पूरी सुनवाई होगी।